दूसरी बार प्यार में पड़ने से पहले तलाक का भी नहीं किया था विवियन ने इंतजार। वह अब इससे अलग होने से पहले ही हो गए थे विदेशी हसीना के इश्क में गिरफ्तार। अलगाव के बिना ही एनआरआई जर्नलिस्ट को लगे थे करने डेट। जी हाँ, एक बार फिर बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट और टीवी के पॉपुलर एक्टर विवियन डिसेना अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में छा गए हैं। आखिर विवियन ने ये खुलासा जो किया है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी और एक्ट्रेस वाबिस दोराबजी से अलग हुए बिना ही डेट करना शुरू जो कर दिया था, और इस बात को विवियन ने बीबी 18 के एक हालिया एपिसोड में रिवील किया है। विवियन ने शो की दूसरी कंटेस्टेंट शिल्पा शिरोडकर के सामने इस बात को कहा है कि उनका और नूरन का रिश्ता उनके तलाक होने से पहले ही शुरू हो चुका था। विवियन ने शिल्पा से कहा, जब मैं नूरन से मिला और उनके साथ डेटिंग शुरू की तो मेरा अपनी पूर्व पत्नी वाहबेज दौराबाजी से आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हुआ था। अब विवियन के इस बात के रिवील करने से शिल्पा भी उस वक्त हैरान रह गई। इसके बाद शिल्पा ने विवियन से उनकी टाइमिंग के बारे में पूछा, जिस पर विवियन ने बताया कि तब तक वो वाहबेज से अलग हो चुके थे और कागजी कार्रवाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी, लेकिन तलाक बहुत बाद में जाकर फाइनल हुआ और तब तक वो नूरन को डेट करना शुरू कर चुके थे, इसलिए इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं थी। विवियन ने इस बारे में कहा, अंतिम कागजी कार्रवाई और सब कुछ उसके बाद हुआ। इसके अलावा विवियन ने शिल्पा से अपने और वाबिस के टूटे रिश्ते को लेकर भी बात की और बताया, कई कारणों से लंबे समय तक हम दोनों के बीच चीजें थोड़ी खराब थी। जब तक वाबिस मुझे बर्दाश्त कर सकी तब तक मेरे साथ रही, और बाद में जब उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया तो वो चली गई। बता दें कि विवियन की पहली शादी एक्ट्रेस वाबिस से 2013 में हुई थी। शादी के बाद दोनों ने खूब अच्छा वक्त भी बिताया, लेकिन फिर कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो गई। वाबिस ने शादी के 3 साल बाद साल 2016 में तलाक की अर्जी डाल दी थी, और फिर लंबी जंग लड़ने के बाद साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया। वाबिस से तलाक के 1 साल बाद ही विवियन ने नूरन अली से 2022 में शादी रचा ली थी। क्रिश्चियन परिवार से ताल्लुक रखने वाले विवियन ने नूरन से शादी के लिए ही इस्लाम भी कबूल लिया था। इस कपल की एक बेटी लियान विवियन डिसेना भी है। हालांकि एक्टर ने अभी भी अपनी फैमिली को लाइमलाइट की दुनिया से दूर ही रखा हुआ है। जब से विवियन डिसेना बिग बॉस 18 के घर में गए हैं, तब से ही उनकी पत्नी नूरन अली लगातार सोशल मीडिया के जरिए उन्हें प्रमोट भी कर रही हैं और उनसे जुड़ी हर चीज पर रिएक्ट भी कर रही हैं। बहरहाल, पहली बीवी से तलाक इस्लाम कबूल ने और दूसरी शादी बेटी होने के बाद एक्टर सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल शो में एक के बाद एक वजह से लगातार चर्चा बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।